बात करेंगे बड़ी खबर की। अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई है, आपको बता दें अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई है, नए बीजेपी अध्यक्ष पर बैठक में चर्चा। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्षों संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है बीजेपी संगठन की मेगा बैठक। विधानसभा चुनावों पर हो सकता है फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें राज प्रभारी भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। संगठन चुनाव से जुड़े फैसले पर भी हो सकती है चर्चा। अमित शाह ने बुलाई है अहम बैठक, नए बीजेपी अध्यक्ष पर बैठक में चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है बीजेपी संगठन की मेगा बैठक। विधानसभा चुनावों पर हो सकता है फैसला, राज प्रभारी भी रहेंगे बैठक में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें अमित शाह ने बैठक बुलाई है, संगठन चुनाव से जुड़े फैसलों पर चर्चा हो सकती है, नए बीजेपी अध्यक्ष पर बैठक में चर्चा। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी होंगे बैठक में शामिल। प्रदेश अध्यक्षों संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है बैठक में बीजेपी संगठन की मेगा बैठक। विधानसभा चुनावों पर हो सकता है फैसला, राज प्रभारी भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। संगठन चुनाव से जुड़े फैसलों पर भी हो सकती है चर्चा। अमित शाह ने बुलाई है अहम बैठक जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, नए बीजेपी अध्यक्ष पर भी चर्चा हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे, साथ ही साथ आपको बता दें प्रदेश अध्यक्षों संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है बीजेपी संगठन की ये मेगा बैठक है। विधानसभा चुनावों पर हो सकता है फैसला, राज प्रभारी भी रहेंगे बैठक में मौजूद। अमित शाह ने बुलाई है अहम बैठक, नए बीजेपी अध्यक्ष पर बैठक में चर्चा हो सकती है, विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चुनाव चर्चा, बीजेपी संगठन की मेगा बैठक, विधानसभा चुनावों पर हो सकता है फैसला, राज प्रभारी भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, इस बैठक में क्या किन किन अहम मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए बैठक बहुत अहम बैठक है और खासतौर पर बात करें तो सरकार बनने के बाद में संगठन की इस तरह की पहली बैठक है जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्षों को, प्रदेश प्रभारी, जनरल सेक्रेटरी सबको बुलाया गया है, क्योंकि अमित शाह का 3 साल का कार्यकाल इस साल जनवरी हो चुका है और अब पार्टी संगठन ने जिस तरह से उनसे कहा था कि अभी वो कार्यभार अपने पास ही रखे तो लगातार चल रहा है। और अभी भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आगे कम से कम 6 महीने तक अमित शाह के पास अध्यक्ष पद का कार्यकाल बना रहेगा। तो संगठन की बैठक जो बुलाई गई, खासतौर पर संगठन में इस बात को लेकर भी मुहर लगेगी कि अमित शाह की अध्यक्षता की पार्टी को जरूरत है। जिस तरह से झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने और उन्हें लेकर लगातार अमित शाह रणनीति बनाते रहे तो ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरी बड़ी चीज की किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाना है तो उस बारे में भी, अब की दूसरे कार्यकाल की सरकार है तो अमित शाह आज सभी पार्टी के जो पदाधिकारी बुलाए उन्हें दिशा निर्देश देंगे। जी जी अमित, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार चर्चा चल रही है। कुछ दिन पहले हरियाणा के चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी जहां पे 90 सीटें हैं और 90 में 75 सीटें जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है।
केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अतिरिक्त सहायता हरियाणा को दे रही है और इस बात को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, ये बात अमित शाह ने पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष को लेके पहले ही अपने इरादे जाहिर किए कि किस तरह से अपनी रणनीति को उन्हें आगे बढ़ाना है। लगातार इस पे काम चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने जैसा मैं बता रहा था, झारखंड में भी होने हैं, तो उन जगहों को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि संगठन के चुनाव इस बीच में काफी आड़े आ रहे हैं और संगठन के चुनाव होने हैं, तो संगठन के चुनावों को लेकर भी फैसला होना है। यही एक वजह है कि आज की बैठक में सभी बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया जिससे कि संगठन के चुनावों के लिए कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल सके और कैसे जल्दी चुनाव संपन्न कराया जाए उस बारे में भी डिसीजन होना है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी महेंद्रनाथ पांडे कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, तो वन व्यक्ति और वन पद उसके अकॉर्डिंग जो है महेंद्रनाथ पांडे को अध्यक्ष पद छोड़ना होगा, उनकी जगह कोई और अध्यक्ष बनेगा। ऐसे कई जगह के प्रभारी और अध्यक्ष जो है वो बदले जा सकते हैं। इन चीजों को लेकर भी आज की बैठक में रणनीति तैयार हो गई, यही वजह है कि जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों को बुलाया गया है। जी, नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो सकती है क्या इस बैठक में अमित? जी बिल्कुल, देखिए अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह का कार्यकाल कम से कम 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में संविधान में संशोधन किया जाए कि अमित शाह जो है वो गृह मंत्री के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष भी बने रहे। लेकिन रिसेंटली हमारे सूत्र बताते हैं कि भी 6 महीने तक अमित शाह के हटने के चांसेस नहीं है और इस बात की मोहर आज की इस बैठक में लग जाएगी। जैसी बैठक खत्म होगी उसके बाद सर्वसम्मत से लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। जी, तो संगठन चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए संगठन चुनाव जो है वो सबसे बड़ा प्रोसेस है बीजेपी में खासतौर पर, और उसी को लेके इस पे चर्चा होनी है। और सबसे बड़ी चीज जो है, हालांकि अभी अगर बीजेपी चुनाव कराती है, संगठन के चुनाव करती है, तो उसमें भी कम से कम नवंबर दिसंबर तक का वक्त लग जाएगा और इस बीच में चुनाव भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो जाहिर तौर पर संगठन के चुनावों में किन लोगों किन नामों पे मोहर लगेगी। हालांकि बैठक पे एक औपचारिकता माना जाता है, सही रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर तय करते हैं। उन दो लोगों को ही डिसाइड करना होता है कि आखिर पार्टी की कमान किसके हाथों में होगी, प्रदेश की कमान किसके हाथों में होगी और आगे संगठन को कैसे चलाया जाएगा। हालांकि आज की जो बैठक है इसमें जो पदाधिकारी बुलाए गए उन सबका भी मत लिया जाएगा कि आखिर पार्टी को किस दिशा में काम करना चाहिए और पार्टी के लिए हर कोई अपने विचार यहाँ पे देगा और उसके बाद फिर अमित शाह जो है उन विचारों को रखते हुए अपनी बात रखेंगे। जी अमित, इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? देखिए सबसे बड़ी चीज कि संगठन को और मजबूत किया जाए। लगातार बीजेपी ने सदस्यता अभियान जो चलाया था, कई करोड़ फॉलोअर्स जो है वो बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं, फॉलोअर्स हैं, इन्हें और कैसे बढ़ाना है बीजेपी लगातार इस पे काम कर रही है, उसे लेके भी मंथन होना है। हर प्रदेश का एक टारगेट है कि इतने लोग जो है बीजेपी की सदस्यता से जुड़े हैं और कितने और जोड़ने, तो आगे जो लोग जोड़ने हैं उन लोगों को लेके यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी संगठन मंत्री सबको आश्वस्त किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। दूसरी बड़ी तरह से खासतौर पर मुस्लिमों को वजीफा देने की, एजुकेशन में वजीफा देने की बात कही गई है, एजुकेशन को लेकर उन्हें शिक्षित किए जाने के लिए सरकार जोर दे रही है। ये सारी चीजें भी संगठन के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई जाएंगी जिससे कि विपक्ष जो लगातार भ्रम फैलाता रहता है, सेक्युलर पार्टी का आरोप हमेशा लगाया जाता है बीजेपी पे, इन सारे भ्रमों को तोड़े और बीजेपी अपनी रणनीति में उससे आगे बढ़ सके। तो यही एक वजह है कि संगठन की बैठक जो पहली बैठक हो रही है, आज की बैठक काफी अहम है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए अमित। विधानसभा चुनावों पर हो सकता है फैसला, राष्ट्र प्रभारी भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। संगठन चुनाव से जुड़े फैसलों पर भी चर्चा हो सकती है। अमित शाह ने बुलाई है अहम बैठक जिसमें विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ संगठन चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है।